हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग ऑफ द ऑफिशियल। बहुत दिनों से डिमांड थी सर, किसी ऐसे स्टूडेंट का इंटरव्यू लेकर आइए जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, क्योंकि बहुत से सिविल के आ चुके हैं, एक मैकेनिकल के आ चुके हैं। तो बहुत दिनों बाद प्रशांत कुमार सिंह जी हैं, जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बीटेक किया है इन्होंने, रहने वाले हैं भिलाई छत्तीसगढ़ के, और ऑलरेडी ये RRB JEE में जॉब कर रहे हैं एज ए JEE, और इनका हाल ही में सिलेक्शन SSC JEE के थ्रू CBWD में हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई हो प्रशांत जी आपको। थैंक यू सर, मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया, यहाँ पर बुलाया, इसलिए धन्यवाद कहना चाहूँगा और सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। चलिए ठीक है प्रशांत जी, कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे आपके तैयारी की, रिकॉर्डिंग की, कैसे आपने तैयारी की। तो सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि RRB JEE में आप कब से जॉब करते हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन रही है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वो आपने पढ़ाई कहाँ से की। यस सर, मैं भिलाई में ही मैं पैदा हुआ हूँ और भिलाई में मैंने स्कूलिंग की है, यहीं पे स्कूलिंग हुई है मेरी। उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में मैंने पढ़ाई की है 4 साल, और 2016 का मैं पास आउट हूँ। उसके बाद फिर मैंने तैयारी की है, और उसके बाद फिर मैंने 2016 से 17 मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की है 1 साल। तो सेल्फ प्रिपरेशन के दौरान मैं गेट की तैयारी कर रहा था, तो मेरी रैंक उस समय अच्छी नहीं आई थी, 6000 कुछ रैंक थी मेरी। तो मैंने उसके बाद फिर ये रहता है सर कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो एक प्रेशर रहता है कि निकल रहा है बेटा, इंजीनियरिंग कर लिया या डिप्लोमा कर लिया है तो तुरंत जॉब लग जानी चाहिए, तो एक तरीके का प्रेशर रहता है ऐसा। तो इस प्रेशर था कि जॉब करना है, तो ये प्रेशर के कारण से मैं दिल्ली मूव हो चुका था 2017 में, कि मैं दिल्ली जाऊँगा तो वहाँ पर जॉब करूँगा। तो वहाँ मैंने खोजी 2-3 महीने जॉब खोजी, प्राइवेट में से जॉब मिल नहीं रही थी। तो मैंने फाइनली, मुझे वहाँ पे एक मेरे दोस्त मिल गए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के, थे मेरे ही कॉलेज से पढ़े हैं, पुष्पेंद्र देवांगन मिले थे, अच्छे दोस्त हैं वो मेरे। तो उन्होंने बोला मुझे कि सजेशन भी दिया और हेल्प भी की मेरी। तो मैंने वहाँ पे क्रेट्रिक्स नाम की कोचिंग है दिल्ली में, तो मैंने वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, 5 सब्जेक्ट की थी मैंने, जो मेरे वीक थे उसकी कोचिंग की थी मैंने सिर्फ। तो वहाँ पे मैंने कोचिंग की, और उसके बाद फिर मैं गेट में अपीयर हुआ था 18 में। तो उस टाइम भी मेरी रैंक उतनी बेटर नहीं आ पाई थी, तो उसके बाद मेरे वापस मैं भिलाई आ गया 2018 में। तो 18 के बाद फिर मैं ये था कि अब मैं ये सोच रहा था कि आगे करना क्या है। तो उस समय छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फॉर्म आ चुका था, तो मैंने उससे फॉर्म को भरा और 31 मई को मैं अपियर हुआ था उस एग्जाम में। तो उस एग्जाम के साथ साथ मैंने एक और चीज़ देखी कि एक और अपॉर्चुनिटी दिख रही थी मुझे कि अब अप्रेंटिसशिप कर लेना चाहिए था मुझे। तो मैंने अप्रेंटिसशिप में भी अप्लाई किया, एक कंपनी है भारत सरकार की, फेरोस कैप निगम लिमिटेड, तो मैंने वहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। मैंने दोनों के एग्जाम 31 मई को दिए, तो लकली मेरा अप्रेंटिसशिप में हो गया। 3 जून को मैंने ज्वाइन कर लिया अप्रेंटिसशिप, और उतने मीन टाइम में 2-3 दिन में सर, आजकल एग्जाम प्रक्रिया फास्ट हो गई है, तो आंसर की भी आ जाती है। तो आंसर की में मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे CSEB में, तो मेरे 79.5 मार्क्स थे, तो मुझे लगा कि अब इसमें सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। तो मैंने ये सोच के कि अब अप्रेंटिसशिप ज़्यादा टाइम करना नहीं पड़ेगा, तो मैंने ज्वाइन कर ली। और फिर फाइनली मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी कॉल आया था, लेकिन फाइनली सीटें कम थी जनरल की, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरा। तो ये प्रक्रिया होते होते सर नवंबर हो चुका था 2018 का। तो उसके बाद फिर रेलवे का फॉर्म आया 2018 में दिसंबर में, तो मैंने वो फॉर्म भर लिया था। लेकिन रेलवे के सर एग्ज़ाम का ये मेन वो होता है कि हमें पता नहीं रहता कि एग्ज़ाम वो कब ले लेंगे और रिजल्ट कब निकालेंगे, कुछ नहीं पता रहता हमें। तो मुझे कुछ ऐसे एग्ज़ाम को टारगेट करना था जिसका डेट हमें पता होना चाहिए, तो मैंने SSC को चुना जिसका डेट हमें प्री का भी पहले से पता रहता है कि 26 सितंबर डेट था, और मेंस का भी पता था 29 दिसंबर। तो सर मैंने एक एग्ज़ाम उसका डिसाइड कर लिया कि SSC JEE को टारगेट करना है, लेकिन मैं 17 में अपीयर हो चुका था सर SSC में, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था 17 में। लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि 18 में मैं फिर से तैयारी करके एक बार टाइम दूंगा। तो मैंने सर जनवरी से तैयारी चालू की SSC JEE की, और मैंने सर बुक ले ली थी, वही आपकी YCT पब्लिकेशन की बुक ले ली थी, और RK राजपूत ले ली थी, और VK मेहता, ये 3 बुक्स मैं सॉल्व करते रह रहा था। और सर इसी दौरान फिर 26 मई को रेलवे का फर्स्ट राउंड का एग्ज़ाम हो चुका था, और 4 जून को मेरा रैंक भी ख़त्म हो रहा था। तो मुझे इन मीन टाइम में मुझे ये था कि मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा प्री एग्ज़ाम अच्छा गया तो मुझे सेकेंड CBT लिखने ही मिलेगी। तो मेरा सेकेंड CBT
1 सितंबर को 2019 को मैं अपियर हुआ हूँ। तो 1 सितंबर को मैंने उसकी एग्जाम भी दे दी, क्योंकि वो 26 सितंबर के बीच में पढ़ रहा था, तो मेरी तैयारी अच्छी हो चुकी थी। तो मैंने रेलवे का भी एग्जाम 1 सितंबर को दिया और 26 सितंबर को फिर मैंने SSC JEE की दी। फाइनल रिजल्ट आया रेलवे का, तो मेरा रेलवे में भी सिलेक्शन हो चुका था और फिर इसका मैंने मेंस की तैयारी की और फिर इसमें भी हो चुका था सिलेक्शन। और सर मैंने ज्वाइनिंग की है जुलाई 2020 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है सर रेलवे में। कौन सा डिपार्टमेंट मिला है आपको रेलवे में? सर रेलवे मुझे कैरेज वैगन डिपार्टमेंट मिला है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है ये, और मेरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ मैं। SSC JEE जैसे आपने 2016 में पास आउट किया था बीटेक अपने, तो SSC JEE 16 वाला दिया था आपने, 16 और 17 वाला? सर 16 वाला मैंने नहीं दिया था, 17 में मैं अपीयर हुआ था। क्या स्कोर थे 17 वाले में? 17 वाले में सर मेरे स्कोर उतने ज्यादा नहीं थे, 111 थे मेरे स्कोर, जहां मुझे याद है 111 थे और 136.25 शायद कट ऑफ था, तो मैं कट ऑफ से बहुत ही दूर था। और 18 में क्या स्कोर था आपका प्री में? सर 18 में मेरा स्कोर 153.1 था। और मेंस में क्या स्कोर रहा? सर मेंस में 216। अगर हम बात करते हैं SSC JEE प्री की, तो उसमें 3 सेक्शंस होते हैं मेनली, टेक्निकल, GS और रीजनिंग, तो उसकी तैयारी आपने कैसे की और कौन से बुक फॉलो किया? मैंने प्रीवियस ईयर की बुक ले ली थी YCT पब्लिकेशन की, तो उसमें मुझे 15,000 प्लस क्वेश्चंस मिल गए थे। तो मैंने ये देखा कि जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें उन्होंने अच्छा कवर किया है, सारे एग्जाम को कवर किया जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, तो उसमें सारे AEJEE पेपर मिल गए थे मुझे 176। तो मैं उसको सॉल्व करता रहता था और साथ ही साथ मैं VK मेहता की बुक को सॉल्व करता था, क्योंकि VK मेहता की बुक मुझे हेल्पफुल लग रही थी मेंस एग्जाम के लिए। उसका पैटर्न कुछ ना कुछ मिलता जुलता है मेंस एग्जाम में, वो ज्यादा यूजफुल है। और प्री के लिए मैंने RK राजपूत को भी फॉलो किया, क्योंकि 20-30% क्वेश्चन बेसिक से आते हैं, तो वो RK राजपूत उसमें यूजफुल रहती है। स्कोर क्या था आपका? प्री में आपके स्कोर क्या थे GS में, रीजनिंग में और टेक्निकल में? सर टेक्निकल में मेरे 88.5 थे और GS में मेरे 25.25 थे और रीजनिंग में 38.75 थे। तो मेरा रॉ मार्क्स 152.5 था और 0.5 या 0.6 मेरे को नॉर्मलाइजेशन मिला। GS के लिए कौन सा आपने पैटर्न फॉलो किया, क्योंकि आपके स्कोर हैं 25 हैं, अधिक स्कोर माना जाता है एज ए, अगर किसी इंजीनियर के लिए तैयारी करना हो तो GS में उसका स्कोर इतना बन नहीं पाता, आपके 25 थे, काफी अच्छे थे। तो सर GS के लिए सर मैंने शुरू से मैंने मनोहर पांडे की बुक एक ले ली थी 30 रुपीज की, तो वो 120 पेजेस की बुक है, तो उसको मैंने पहले एक बार रीडिंग कर लिया था कि क्या क्या उसमें आते, और मैं उसी के 2-3 पेज रोज रीड करता था ताकि बर्डन न लगे। और साथ ही साथ मैं करंट अफेयर फॉलो करता था, लेकिन मंथली करंट अफेयर फॉलो करता था, तो मैं किसी भी चैनल के फॉलो कर लेता था। मैं जो फॉलो करता था सर, वो मिश्रा जी टेक्निकल के मंथली करंट अफेयर फॉलो करता था, और साथ ही साथ मैं इडू जोश के रिसेंट पेपर देखता था, जो SSC के CHSL CGL MTS के जो पेपर हुए रहते थे उससे मैं रिसेंट पेपर देखता था, करंट अफेयर और GS के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सर उन्होंने अच्छी सीरीज चलाई है, इडू जोश चैनल है यूट्यूब में, तो उनकी सीरीज मुझे अच्छी लगती थी, तो उसको मैं फॉलो करता था। रीजनिंग पार्ट के लिए सर, रीजनिंग पार्ट के लिए मैंने प्रीवियस ईयर ले ली थी किरण पब्लिकेशन की, और उसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन था, तो मैं उसी से सॉल्व करता था। टेक्निकल में आपने नोट्स के अलावा और किन बातों का ध्यान दिया जिससे इतना हाई स्कोर आपने प्राप्त किया? सर टेक्निकल के लिए तो मैंने बेसिकली जो प्रीवियस ईयर है उससे ज्यादा स्ट्रेस किया, और जो मेरी गलती हो रही थी, मैं टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन की थी उससे मैंने सीखने की कोशिश की। तो मैंने बार बार टेस्ट सीरीज को, अगर मैं टेस्ट सीरीज देता था मंडे को, तो मैं ये कोशिश करता था कि उस टेस्ट सीरीज को मैं अगले मंडे आने तक पहले उसको एक बार रिवाइज कर लूँ कि क्या क्या गलती मेरी हुई है। तो मैं बुक मार्क कर लेता था क्वेश्चन, तो बुक मार्क का एक ऑप्शन आ चुका है टेस्ट सीरीज में आजकल, तो अच्छा ऑप्शन रहता है वो, तो मैं उसको बुक मार्क कर लेता था क्वेश्चन को कि इसको देखना है या स्टार कर लेता था, तो उस क्वेश्चन को मैं देखते रहता था और अगले मंडे तक मैं उसी टेस्ट को मैं देखता था। तो ये चीज फॉलो किया ऐसे लगातार, प्रोसेस यही करता रहा पूरे प्रिपरेशन के दौरान। टेस्ट सीरीज कौन सी फॉलो आपने किया था?
सर टेस्ट सीरीज मैंने दो टेस्ट सीरीज फॉलो की, एक testbook.com की मैंने फॉलो की थी और एक मैंने ऑल एग्जाम रिव्यू अड्डा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो मुझे टेस्टबुक की टेस्ट सीरीज भी अच्छी है क्योंकि ये है कि उसमें पूरे प्रीवियस ईयर जो भी हैं जितने भी एग्जाम होते हैं वो वहाँ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो अपने टेस्ट सीरीज में लेके आते हैं जो एक्सपेक्टेड रहते हैं कि उसी लाइन पे वो क्वेश्चन आते हैं। और ऑल एग्जाम रिव्यू अड्डा की एक बात अच्छी है कि वो एक एक क्वेश्चन पे उसी टॉपिक से वो लाते हैं जो पिछले एग्जाम में रिजेंबल करता है कि मतलब सेम टू सेम वो क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं वो, तो उनका पैटर्न भी मुझे खासा प्रभावित करने वाला लगा तो उसकी भी मैंने ज्वाइन की थी। मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस की तैयारी आपने कैसे की, कहां से किया, कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी या सेल्फ स्टडी? नहीं सर मेंस के लिए तो मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है और मेंस के लिए मैंने मेडीजी की बुक ली थी मेंस के लिए, तो मेंस के लिए मेडीजी की बुक आती कन्वेंशनल की उसको मैंने खरीद लिया था और साथ ही साथ सर मैंने वीके मेहता के पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं सर उसको सॉल्व करता था और प्रीवियस ईयर भी जो रहती है प्रीवियस ईयर था। तो मैंने सर टेलीग्राम में कोई चैनल था उसके मैंने 8 पेपर सॉल्व किए थे एग्जाम में जाने से पहले और वो एग्जाम में किसी कोचिंग के थे वो मेडीजी या इंजीनियर्स एकेडमी के, तो मैंने किसी के ज्वाइन नहीं की थी, किसी बच्चे ने टेलीग्राम ग्रुप में उसके क्वेश्चन अपलोड किए थे तो उसको देख के मैं अपने टाइम घड़ी का टाइम लगा कर मैं प्रैक्टिस करता था। तो लगभग कितना टेस्ट दिया था आपने मेंस के लिए? सर 8 टेस्ट दिए थे सर मैंने एग्जाम से पहले। और सेल्फ एनालिसिस करते थे आप टेस्ट देने के बाद? ये सर सेल्फ एनालिसिस करता था कि क्या गलती हो रही है मुझसे और कहाँ कहाँ क्वेश्चन छूट रहे हैं इस प्रकार से सर करता था। टेस्ट ये अभी अगले मंथ होने वाला है SSJEE का मेंस, तो क्या बताना चाहेंगे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को कि वो किस प्रकार से तैयारी करे, किन बातों पर ध्यान दे, किन बातों पर न ध्यान दे? सर तो मेंस के लिए तो मैं बच्चे लोग को यही कहूंगा कि पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर देख लीजिए, कुछ कुछ बेसिक्स इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चन आते हैं वो 120 मार्क्स कैरी करते हैं तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 120 मार्क्स अगर आप 120 में अगर आप 100 मार्क्स ले आ रहे हैं तो वहीं से आप एज ले लेंगे बाकी स्टूडेंट से, तो आपको ज़्यादातर ये ध्यान रखना है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो प्रीवियस ईयर हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए और वीके मेहता रखे रहिए अपने टेबल पे और उसको भी यूज़ करते रहिए बराबर, और सारे आप खुद क्वेश्चन को आप खुद से बना के प्रैक्टिस करके देखिए, ये मत देखिए कि ये मुझसे बन जाता है या मैं इसको बना लूंगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप डेली अगर अभी के समय मेंस अगर एक महीना दूर है तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ आप 3-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करिए तो एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी एग्जाम तक, अगर आप 3-3 क्वेश्चन करते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में 4-4 पार्ट रहते हैं SSJEE में 4 या 5 पार्ट, तो आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे मेन एग्जाम तक। अगर सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग कौन 3 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो सभी है लेकिन कौन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए? सर अगर मैं इसकी बात करूं प्री की बात करूं या मेंस की बात करूं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम ये 3 सब्जेक्ट सर इम्पॉर्टेंट है और यही जो है वो 50% से ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं, तो सिलेक्शन जो है वो 3 सब्जेक्ट से होगा ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इस सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप अच्छा करें क्योंकि ये सब्जेक्ट सबके अच्छे रहते हैं लगभग, तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करिए। और एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जो डिप्लोमा के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन इंजीनियरिंग वाले नहीं पढ़ते हैं, तो वो यूटिलाइजेशन वाले सब्जेक्ट हैं और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट है और बहुत सारे सिस्टम पावर सिस्टम जनरेशन उसको भी ध्यान से हम नहीं पढ़ते हैं BBTech वाले, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ये मत सोचिए कि आप गेट की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ESC की तैयारी कर रहे हैं तो आप SSJEE क्रैक कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा तो अलग ही है, तो उस हिसाब से आपको जो एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तैयारी के दौरान जैसे आप 2016 के पास आउट हैं, आपको 2019 में जाके रेलवे की जॉब मिली, तो कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है, तो उसके लिए हमें एक मोटिवेशन चाहिए होता है, तो आपको ये चीजें कहाँ मिलती थी? सर यस सर, तो सर मैं मोटिवेटेड तो अपनी फैमिली से ही रहता हूँ सर, मैं मम्मी पापा और मेरी बहन बहुत ज़्यादा मेरे मुझे मोटिवेट किए हैं अपनी तैयारी के दौरान, और दूसरी चीज़ ये है कि सर मैं मेरे घर में किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं थी तो मैं सर पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना हूँ अपने घर का, तो ये चीज़ मुझे ये था कि गवर्नमेंट जॉब पाना है तो इसलिए सर मोटिवेटेड रहता था मैं थोड़ा। तो पहली गवर्नमेंट जॉब है आपके परिवार में आपके? यस सर।
और दो दो एग्जाम आपने क्रैक कर लिया है। यस सर। उस दिन की फीलिंग बताइए जिस दिन SSJEE मेंस का रिजल्ट आया और पता चल गया कि आपको CPWD में हो गया, उस दिन आपका क्या रिएक्शन था? सर उस दिन तो मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मेन जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था वो SSC ही कर रहा था, और अगर कोई भी बंदा अगर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसके लिए उसने पसीना बहाया है उस एग्जाम में उसका सिलेक्शन होता है तो उसके लिए वो अनबिलीवेबल मोमेंट होता है पहले, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं रहता है कि मतलब जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं जब आपको उसका फल मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे सर बहुत अच्छा लगा था उसमें। जैसे कि अभी सभी बच्चों को पता नहीं होता जो अभी डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में या फर्स्ट ईयर में तैयारी कर रहे हैं, बहुत हमारे पास कॉल्स आती हैं सर कैसे करें, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी तैयारी अभी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? तो मैं सर उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अभी तो सिर्फ बेसिक पे काम करिए और अपना एक एग्जाम डिसाइड करके रखिए, लक्ष्य डिसाइड करके रखिए। तो मैं तो यही कहूंगा बच्चों को कि वैकेंसी कम हो रही है हर डिपार्टमेंट में लेकिन SSC के एग्जाम हर साल होते हैं, तो SSC की अगर आपको तैयारी करनी है, अगर पहले से आपको टारगेट करना है SSC को, तो उसके पैटर्न को आप धीरे धीरे देखते रहिए। कुछ बड़ा एग्जाम नहीं है, बर्डन कुछ नहीं है, लेकिन आप पॉइंटेड रहिए उस एग्जाम को लेकर। तो उसके लिए आप शुरू से बेसिक से चालू करिए और प्रीवियस ईयर से चालू करिए, आप प्रीवियस ईयर को लगातार करते रहिए, तो लास्ट में आपको बर्डन नहीं लगेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि अभी से अगर आप करंट अफेयर मंथली देखने की आदत डालिए, आप डेली की तो नहीं देखेंगे, हो सकता है डेली की आप नहीं देखना चाहेंगे, तो मंथली की अगर आप डेली अभी से देखना चालू करेंगे तो आप पाएंगे कि एक डेढ़ साल बाद आपका ना GS पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा जब एग्जाम तक आप पहुंचेंगे। और रीजनिंग तो अभी आजकल नया जो सरकार जो लेके आ रही है NTA से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, तो उसके लिए आपका फिर रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप रीजनिंग भी प्रैक्टिस करते चलिए, सब यूजफुल रहेगा, आपकी जितनी नॉलेज बढ़ेगी सब यूजफुल रहेगा उसमें। उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी लगातार कर रहे हैं, उनका प्री भी नहीं क्वालिफाई हो जाता है SSC का, तो वो बहुत ज्यादा क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आती है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, तो उन्हें उनको यही कहना चाहूंगा सर, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि सर मुझे भी 3 साल लग गए, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आप बिल्कुल लगातार तैयारी करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आपको लगातार लेकिन प्रयास करते रहना है, अगर प्रयास आप करते रहेंगे तो आपका पक्का सिलेक्शन होगा, और फोकस इतना करिए कि आप फोकस में आ जाए। जैसे आप आ गए तो आपका एक YouTube चैनल भी है जिसपे आप गाइडेंस पर्सनल देते हैं। ये सर मैंने अभी नया YouTube चैनल भी चालू किया है, जे एग्जाम स्ट्रेटेजी इसके नाम है, तो उसमें मैंने अभी भी चालू किया है उसमें गाइड करना बच्चों को। अगर सर मैंने क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व किया है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि चीज़ें कैसे करनी है और क्या कमी रह जाती है, तो सर शायद हो सकता था कि मुझे और थोड़ा कम टाइम लगता एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि अगर जो लोग को मैं अगर हेल्प कर पाऊँ कम से कम टाइम में एग्जाम वो निकाल लें, जितना टाइम मुझे लगा उससे कम टाइम बच्चों को लगे, तो बेटर रहेगा सर अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो आप हमारे चैनल के बारे में कब सुना है आपने, मुझे कब से जानते हैं मतलब? सर आपका चैनल मैंने देखा था सर, रिहान रजा सर की इंटरव्यू मैंने देखी थी वो 1.5 साल पहले, तो तब से मैं आपके चैनल को फॉलो करता हूँ, तो मैं जानता हूँ आपके चैनल के बारे में और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी देखे हैं आपके चैनल में। और कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे हैं उनसे, कुछ स्पेशली अपनी स्टोरी कुछ पर्सनल जो शेयर आप करना चाहें? यस सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करते रहिए और कॉन्फिडेंट रखिए, एकदम भरोसा रखिए अपने आप पे, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत पे कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, तो मैं भी उसका जीता जागता उदाहरण हूँ कि मेहनत का फल मिलता है, बस आप सही डायरेक्शन में और राइट पाथ फॉलो करके करते जाइए तैयारी, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कंफर्म है, मेरा हुआ है तो आपका भी हो जाएगा। अगर बच्चे डिमांड करते हैं कि RRBJEE में आपका सिलेक्शन हुआ है उसका भी एक्सपीरियंस वीडियो हमें चाहिए, तो वो भी हमें मिल सकता है नेक्स्ट इंटरव्यू में? यस सर बिल्कुल मिल जाएगा, आप जब बुलाएंगे मैं बिल्कुल आऊंगा। चलिए, आपका नंबर हमारे पास है ही, वो हम अभी तो सिर्फ इस समय हमारा SSC का पैटर्न चल रहा है कि जितने SSC में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू ले आ रहे हैं, और उसके बाद जैसे ही वो समाप्त हो जाता है फिर हम RRBJEE के एक्सपीरियंस के लिए आपको फिर कॉन्टैक्ट करते हैं।
बहुत अच्छा लगा प्रशांत जी आपके साथ इंटरव्यू करके, धन्यवाद। थैंक यू सर।